जल्दी आइए इससे पहले कि कोई पड़ोसी देख ले। सुलेखा, सुलेखा, भाभी तो मेरे घर में किसी और के साथ डेट में कैसे मना सकती है? चुप कर। मेरा मतलब है कि भाभी ऐसा नहीं कर सकती है। ये जरूर तेरी गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं है, गलत फैमिली है ये। वो अपनी फैमिली को ही भूल गई है। शट अप, ये सब कुछ नहीं है। हम लोग कभी कुछ नहीं जानते। मेरे हिसाब से हमें पहले अंदर चल के देखना चाहिए। ओके, हाँ चलो ना देखते हैं। चल 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 जल्दी चल। गौरी देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तेरी हमारी भाभी गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी ही गलत है यार। वो हमारी भाभी को गुमराह कर रहा है। तुलिका अंदर रखना यार मोबाइल अपना। तेरे को गुमराह का मतलब बताऊंगा ना बाद में। चलो हमें उस आदमी को सुधारना होगा। मैं तो ना उस आदमी को परमानेंटली सुधार दूंगा। हमारी भाभी क्या किसी की भाभी को नजर उठा के नहीं देखेगा। चले ओए चादर तो ले लो। क्योंकि हम अंधेरी में रहते हैं। अरे हम तो बोरी वाली में रहते हैं। शट अप। अरे किसी भी इंसान से रिश्ता जोड़ लोगी तो क्या वो गौरी का भैया? भैया आप? भैया आप? हाँ भैया ये। अरे हाँ भाई हम हैं। हमें यहाँ आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि हमारी प्यारी बहना कैसी है? भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरी इनकी ना यहाँ पे जरूरी मीटिंग थी इसलिए यहाँ आए थे और हम ना इन्हीं से मिलने के लिए गए थे। लेकिन भाभी आप दोनों को ऐसे छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत थी? अब वो क्या है ना कि ये हमें मिर्जापुर लेकर जाना चाहते थे और झूठ कहे तो कहो हमें मिर्जापुर नहीं जाना था। और हमने इन्हें इसलिए यहाँ नहीं बुलाया ना कि पहले ही तुलिका का ना इतना एहसान है हमारे ऊपर। सॉरी भैया हमें लगा आपको लगी तो नहीं। अरे कोई बात नहीं शिव, उल्टा सच कहे तो हमें खुशी है इस बात की कि हमारी थोड़ी पिटाई हो गई। अब कम से कम हमें इस बात की फिक्र तो नहीं होगी कि कमला हिफाजत से है कि नहीं। वैसे आप यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? मतलब पागल, घर आए मेहमान से कोई जाने की बात करता है क्या? उन्हें लगेगा कि तू चाहती नहीं कि वो यहाँ रहे। नहीं वो तो ऐसे अरे नहीं नहीं तुलिका, हम वैसे भी यहाँ खुद ही नहीं आने वाले थे। हमें रहने के लिए कंपनी की तरफ से गेस्ट हाउस मिला है। हाँ। और वैसे भी हम 2 दिन के बाद वापिस जाने वाले हैं। भाभी आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। अब भैया आप भाभी को आप यहाँ से लेके नहीं जा सकते और जब तक आपकी नौकरी है ना इस शहर में तब तक आप इनसे मिलने यहाँ आ सकते। अच्छा ठीक है पहले हम अपना हुलिया तो ठीक कर लें। हाँ भैया आइए। चलो हाँ तो मिस गौरी श्रीवास्तव बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। इनाम तुलिका शिव तुमसे कुछ मांग रहा है। हाँ शिव बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोलो ना शिव।